पिछले 27 दिनों से जरूरियात लोग मंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। 3 तारीख तक माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। कम से कम 3 तारीख तक चलाने का निर्णय तो है, इन केस यदि 3 के बाद भी बढ़ता है लॉकडाउन तो मैं चाहूँगा कि हमारी प्रजा के लिए जब तक लॉकडाउन है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तब तक हम और हमारी पूरी टीम मिल करके काम करती रहे। मैं समझता हूँ हम लोगों ने कभी गिनती तो नहीं किया और गिन करके खिलाना भी नहीं चाहिए। भूखा है, ज़रूरत है तो कितने भी लोग हों उसकी व्यवस्था हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि आश्रय लगभग 1000 या 1500 लोग रोज़ भोजन ले रहे हैं। मैं लॉकडाउन को लेकर हमारे गुजरात और गुजरात की प्रजा को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन का जो निर्णय लिए हैं वास्तव में बहुत ही अच्छा निर्णय है। शायद ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा जानहानि इस देश में हो जाता। अति सराहनीय काम है। मैं कहना चाहता हूँ 3 तारीख के बाद यदि लॉकडाउन खुल भी जाता है तो शायद खुल जाए, यदि खुल जाता है तब भी हम देश की और गुजरात की प्रजा को कहना चाहता हूँ, आप ही मत मान लेना कि लॉकडाउन खुल गया तो हम रोग मुक्त हो गए। हमारे बीच में है, इसलिए लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम आपस की दूरी बना के रखें, अपने मुंह पर मास्क रखें, बार बार हाथ धोना, जितनी हो सके हम लोगों से बच के रहें। यदि ज़रूरत नहीं है, फालतू का घूमने वाली जो सिस्टम है वो जब तक देश में से अच्छी तरह यह रोग निकल नहीं जाता है तब तक उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कोई कहें कि ना कहें वो हमारे लिए है, इसलिए हमको उसका ध्यान रख करके हमसे ये सारे विषयों से दूरी बना करके और रोग से मुक्त होना चाहिए।